वेलकम बैक टू द टेक्नो प्रोग्रामिंग चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक अ सिंपल जावा प्रोग्राम, और उसको उसके बाद में आपको बताऊं कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और उनके अंदर इनपुट कैसे लिया जाता है। ठीक, तो ये दो अलग अलग वीडियो होने वाली है। पहले मैं सिंपल जावा प्रोग्राम बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जावा प्रोग्राम का आखिर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा एक जावा प्रोग्राम का एक फाइल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो यहाँ सबसे पहली जो लाइन आती, मतलब जो सबसे स्टार्टिंग की वाली लाइन आती है, ठीक है, जो सबसे पहली लाइन आएगी हमारी, नंबर वन लाइन, ठीक है, वो अगर वो की हमारी इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या होगी, इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स। तो ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं? तो जनरली हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हम आगे प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उनमें जरूरी फंक्शंस होते हैं, तो उनमें कुछ कोड लिखे होते हैं फंक्शंस के थ्रू जिन्हें हम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं आगे। बस आप अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। तो स्टार्टिंग में जो होती है हमारी इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, और यहाँ क्या इम्पोर्ट किया जाता है, यहाँ जावा पैकेज जिसको क्या करा जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है। ऑलराइट, पैकेजेस के, जावा पैकेजेस को क्या करा जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आती है, अगर आपने कोई अपनी क्लास बनाई है, ठीक है, तो मान लो अगर आपने कोई क्लास बनाई अपनी, तो यहाँ पे आ जाती है यूजर डिफाइंड क्लासेस। ओके, लाइक क्लास ईएक्स, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे दिया हमने, ठीक है। फिर आप जितनी क्लासेस बना सकते हैं आप बना लीजिए। ऑलराइट, तो ये आपकी क्लासेस हो गई, यूजर डिफाइंड क्लास। ओके, यूजर डिफाइंड क्लास हो गई, ठीक है, तो ये आता है सेकेंड नंबर पे। ठीक, थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आती है हमारी मेन क्लास। राइट, इसमें आती है हमारी मेन क्लास। मेन क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसके अंदर हमारा मेन क्लास रिसाइड करता है। ठीक, तो ये रहा हमारा, तो इस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, क्लास क्लास एम डाल दिया जैसे, ठीक है। फिर यहाँ अंदर हमने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स। ओके, एंड नाउ फिर फंक्शन के अंदर आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी आप फंक्शन बना सकते हो, ठीक। और हमारा जो प्रोग्राम है वो यही मेन क्लास से चलता है, क्योंकि यहाँ मेन फंक्शन हमारा डिसाइड करता है। क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम कॉल करवाते, तो सबसे पहले प्रोग्राम की मेन क्लास को ढूंढता है और फिर उस मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑटोमेटिकली। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्रोग्राम जो जावा प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें मैं आपको एक जावा प्रोग्राम का वीडियो बना के प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा और उसको रन करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।